राधे राधे जी, नमस्कार। रीटा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए चलाई की नमकीन बनाएंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपने चलाई की गच्चक बहुत खाई होगी, लड्डू बहुत खाए होंगे। आज हम नमकीन बनाएंगे, बहुत ही अच्छी। चलो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने चलाई चाहिए, एक कटोरी हमने चलाई ले ली है। कड़ी पत्ता ले लिया है, सिंधा नमक, मखाने और मूंगफली की गिरी, एक चम्मच बूरा और काली मिर्च और धनिया एक चम्मच। अब हम पहले चलाई को भुनेंगे। थोड़ी थोड़ी हमने चलाई डालनी है, चलाई एकदम सारी नहीं डालनी है। पहले हम कपड़े की सहायता से थोड़ा सा इसको अच्छी तरह घुमाएंगे। गैस हमने सिम रखनी है, गैस हमने फुल नहीं करनी है। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे। देखो अब हमारी अच्छी तरह भुनने लग गई है चलाई। अब फिर हम इसको ढक देंगे। देखो अब हमारी सारी चलाई ऐसे करके हमने भून ली है और अब हम एक बाउल में डाल लेंगे। चलाई हमारी अभी गर्म है। चलाई बिल्कुल अच्छी तरह भुन गई है। अब एक चम्मच हम देसी घी का लेंगे। कड़ी पत्ता आपकी मर्जी है, आप खाते हो तो व्रत में ज़रूर डालें वरना ना डालें। वैसे व्रत में कड़ी पत्ता आप खा सकते हो। हम कड़ी पत्ते को भुनेंगे घी में। कड़ी पत्ते को अच्छी तरह भुनेंगे जब तक ये कड़ी पत्ता अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं होता, क्योंकि भुनने के बाद कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमारा कड़ी पत्ता भुनने लग गया है, बिल्कुल कलर भी चेंज हो गया है कड़ी पत्ते का। अब हम प्लेट में निकालेंगे कड़ी पत्ते को। अब हम आधा चम्मच और देसी घी का डालेंगे। अब इसमें हम मखाने, मूंगफली की गिरी, हम सब सामान इकट्ठा ही भून लेंगे। थोड़ी सी हम दाक डालेंगे, उसको भी अच्छी तरह भुनेंगे। भुनने के बाद बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसको अच्छी तरह भुनेंगे जब तक ये करारी नहीं हो जाती। अब देखो हमारी बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरह भुन गई है। सब हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप व्रत पर ज़रूर बनाएं और आप बनाकर अपना ज़रूर बताएं मुझे कमेंट पर लिखकर आपकी कैसी बनी। अब एक चम्मच हम देसी घी का गरम, अच्छी तरह इसको गरम होने देंगे। अब इसमें हम सारा भुना हुआ सारा सामान डालेंगे। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, जैसे काजू, बादाम। हम अब इसमें काली मिर्च डालेंगे एक चम्मच, एक चम्मच हम धनिया का डालेंगे और एक ही चम्मच हम बूरे का डालेंगे। अगर आप बूरा नहीं खाते हो, मीठा नहीं खाते हो, आप स्किप भी कर सकते हो इसको। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और हम आधा चम्मच सिंधा नमक डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसका कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अब ये हमारी ड्राई थी,
तो थोड़ा सा हमने देसी घी आधा चम्मच इसमें डाल लिया है। चलाई हमारी बिल्कुल ड्राई थी ना, इसलिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे, नमस्कार।